तो आपने सत्ता पक्ष के विधायक की मंत्री की होली देखी है, बन्ना गुप्ता की होली। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो होली जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मना रहे हैं। सीधे चलते हैं और देखिए होली किस तरीके से रघुवर दास की मन रही है। जमकर रंग उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है और होली के रंग में सराबोर। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। पूरी तस्वीर तो हम दिखाएंगे ही, जमशेदपुर से प्रभात। प्रभात प्रभात, कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है? और आप भी एकदम होली के रंग में सराबोर लग रहे हैं, पूरा जश्न का माहौल है। और इस जश्न में कितने लोग शरीक हैं, क्या कुछ हो रहा है, पूरी तस्वीरें दिखाएं और पूरी जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, मैं तस्वीर ही दिखा रहा हूँ, मैं भी होली के रंग में रंगा नजर आ रहा हूँ। तो देखिए रघुवर जी पूरी होली के रंग में नजर आ रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। निश्चित है कि आज पूरा, अगर पूरे शहर बोले तो पूरा शहर में होली का अंदाज नजर आ रहा है और लोग होली अबीर गुलाल लगाकर तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। देखिए जितने भी कार्यकर्ता के चेहरे पे, आपके सबके चेहरे पर कलर्स नजर आ रहे होंगे, रंग बिरंगे कलर नजर आ रहे होंगे, भगवा कलर नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से कहें कि काफी उत्साह है रघुवर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी के आवास पर। और देखिए एक एक चिटकी जो कार्यकर्ता जो लोग आ रहे हैं, पहले छोटे जो है वो पैर में डालकर आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़े को वो उनके द्वारा अबीर लगाया जा रहा है। तो निश्चित है कि ये एक तरह का उत्साह है और एक तरह का होलिया अंदाज है। और इसके ठीक बगल में जहाँ बिल्कुल प्रभात, ट्विटर हैंडल पर रघुवर दास ने लिखा है कि वे झारखंड के दास हैं, लेकिन आज झारखंड के दास का महाराज स्टाइल है, एकदम कुर्सी पर बैठे हैं और चौचक तमाम लोग जो हैं कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो झारखंड के दास का महाराज रूप थोड़ा दिखाइए तमाम दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, मैं वही रूप दिखा रहा हूँ क्योंकि झारखंड के दास है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा रघुवर दास, यानी कि पूरे झारखंड का दास। और एक अंदाज नजर आ रहा है, देखिए किस तरीके से बैठ कर ये एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं। और निश्चित है हम अब उन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। क्या कहेंगे सर आज के, आप तो एकदम दास के अंदाज में बैठे हुए। नहीं देखिए, होली का पर्व के जो उत्साह है, ये जीवन में हर मनुष्य को के अंदर एक उमंग पैदा कर देता, उत्साह पैदा कर देता। और आज सारा देश ये रंगों के त्योहार होली के पर्व के अवसर पर आज उत्साहित है, आनंदित है। और ये पर्व त्योहार हमारे संस्कृति के स्तंभ है। तो आज होली के अवसर पर जो भगवा आज हम रंग खेल रहे हैं, तो जिस प्रकार देश आज भगवा लहर की ओर चल पड़ा, क्योंकि भगवा भारत की पहचान है। तो जिस तरह चार राज्यों में के विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया, भगवा पर अपना विश्वास जताया, तो आने वाले 2022-23-24 के संसदीय चुनाव में भी पूरे देश में भगवा लहराएगा। झारखंड में भी ये जो वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति के तहत जो बहुसंख्यक समाज को आज प्रताड़ित हो रही है, तो आने वाले समय झारखंड में भी भगवा लहर चलेगा और यहाँ भी एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर मैं समस्त झारखंडवासी देशवासियों को और न्यू जेवन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह रंगों का त्यौहार में हम सब मिलकर खुशी मनाएं, उत्साह मनाएं और इस पर्व त्यौहार को हम और आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित दे, ये आज सब हम संकल्प लें। सर आज तो पूरा होली का अंदाज है, भगवा अंदाज है, सारे लोग एक दूसरे को गाना गा रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर छोटा सा कुछ गुनगुना दे दर्शकों के लिए। तो जमकर अबीर उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है और झारखंड के दास रघुवर दास आज महाराजा की तरह बैठे हैं। तो भगवा भगवा और फगुआ के बीच का अंतर आज बड़ा क्षीण है और ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवाधारी रघुवर दास आज फगुआ मना रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।